लालवाडी येथे रहमती पीर यांचा उरूस दरवर्षी उत्साहात साजरा करण्यात येतो। अनेक मुस्लिम बांधव या उरूसासाठी हजेरी लावतात। देशभरातून अनेक सुफी संत आणि सुफीवंतांचे अनुयायी दाखल होतात। यंदा रहमती पीर यांचा चौथा उरूस सुरू झालाय। मुंबई येथील रब्बानी फाउंडेशनच्या वतीने या उरूसाचे आयोजन करण्यात येतं। यावर्षीही रब्बानी फाउंडेशनने या उरूसाचे आयोजन केलं होतं। यावेळी बहारदार कव्वाली आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं। आज ख्वाजा शेख मोहम्मद सत्तारशाह कादरी जो हमारे पीर मुर्शिद या सूफी संत हैं, इनकी तालीमात, इन्होंने ज़िंदगी भर जो इंसानियत का, मोहब्बत का, लोगों से भेदभाव नहीं करने के जो सबक दिया लोगों को, उन्हीं के से प्रेरणा लेके जब उनका आज 14 साल आज जबकि जाके 4 साल हो गया है, 4 साल हो गया, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हम लोग उनकी याद मनाते हैं। आज ये 4th ईयर है, 14 साल है, इनके चाहने वाले पूरे इंडिया से, अब्रॉड से, सब जगह से, कंट्री से, दूसरी दूसरी कंट्री से आते हैं। लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन के सिचुएशन की वजह से सारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग, पहले तो पूरे आलम को, मैं पूरे वर्ल्ड को ये रहमती पीर का उसकी मुबारकबाद देता हूँ पूरे आलम को, कि जो अमन और पीस का जो पैगाम यहाँ से दुनिया लेके जाती है, ये पैगाम और आम होना चाहिए। जैसे कि आपने लास्ट ईयर भी, मेरे ख्याल से आप रिपोर्टर्स आए थे यहाँ पर, तो आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान से, सारे खानकाओं से, सारे सज्जादा नशीन यहाँ पर आए थे सेलिब्रेशन उर्स करने के लिए। ड्यू टू कोविड यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि हमको SOP को भी पालन करना है, गवर्नमेंट के जो नियम है उसको भी पालन करना है, और जो इंसान की जान है वो हमारे लिए फ्लेम बने, हमारे लिए पहले प्रायोरिटी। तो प्रतिनिधि संजय आहेर सह आधार न्यूज चालना। अशा आणखी वीडियो पाहण्यासाठी आधार न्यूज ला सब्सक्राइब करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।